बहनों और भाइयों, आज असम में नई सड़कें बन रही हैं, नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। बरसों से अटके हुए भारत के सबसे लंबे ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किसने पूरा करवाया? भाजपा की ही सरकार ने काम किया। असम को मेघालय से जोड़ने के लिए इससे भी बड़े धुबरी फुलबारी ब्रिज का निर्माण कौन करवा रहा है? भाजपा की सरकार करवा रही है। देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे असम को किसने दिया? भाजपा की सरकार ने दिया। किसने बरसों से अधूरे पड़े भारत के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज का काम पूरा करवाया? भाजपा की सरकार ने किया। चाहे एयर रूट हो, रेल रूट हो, हाईवे हो, हम हर प्रकार से असम की भारत के अन्य हिस्सों में कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहे हैं। और इनसे भी बढ़कर हमने एक और कनेक्शन बनाया है जिसे तोड़ना असंभव है। ये कनेक्शन है असम के सामर्थ्यवान और प्रतिभाशाली लोगों से दिल का कनेक्शन। आप तो अनुभव करते हैं कि करमगंज से सिलचर जाने के पहले कितना वक्त लगता था और अब कितना कम लगता है। असम की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने सड़कों के निर्माण में जो बेहतरीन काम किया है उसकी प्रशंसा यहां आने वाले पर्यटक भी करते हैं। लुमडिंग सिलचर रेल लाइन का चौड़ीकरण मिशन मोड पर किया गया। आज बड़ी ट्रेनें भी यहां पहुंच रही है। 6 साल पहले तक सिलचर से लुमडिंग और अगरतला तक लगभग आधा दर्जन ट्रेनें चलती थी। आज ये संख्या करीब करीब 2 गुनी हो चुकी है। आज बराक वैली, दिल्ली, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, कोलकाता, त्रिवेंद्रम और अगरतला से कनेक्ट हो चुकी है।